तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा से रिलेटेड इस समय की जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। इस समय मौसम कैसा चल रहा है यात्रा के दौरान, इस समय ठंड कितनी हो रही है, आप सभी लोग अगर अभी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या सुविधाएँ आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, आप किन चीज़ों का उपयोग करके अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं, और अगर आप इस समय यात्रा पर जा रहे हैं तो आप कितने गर्म कपड़े अपने साथ रखें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड, सब कुछ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उनके साथ शेयर करिए जो माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं। तो आइए अब वन बाई वन यात्रा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं रूम्स की, क्योंकि जब हम जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने ये होता है कि हमें रूम्स चाहिए। अब रूम हमें कैसे मिलेंगे, कहाँ पे सस्ता रूम मिलेगा, कहाँ पे महंगा रूम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब आप कटरा बस स्टैंड पहुँचेंगे तो सबसे पहले निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आप सभी लोगों को 100 या 150 रुपये में डोरमेट्री मिल जाएंगी सिंगल पर्सन के लिए पूरी रात के लिए। अगर आप अकेले गए हैं या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ गए हैं तो आप डोरमेट्री का यूज़ करिए, आपको सस्ता पड़ेगा। उसके बाद कटरा चौक के पास या फिर जो कटरा का बस स्टैंड है आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, उन होटल्स का प्राइस 400-500 रुपये है, जिसमें अगर आप अपनी फैमिली के साथ गए हैं तो आप अच्छी बात है होटल्स लीजिए, होटल्स के रेट काफ़ी अच्छे होते हैं, 400-500 नहीं तो 600 रुपये में आपको बहुत ही आराम से होटल्स मिल जाएंगे, आप होटल्स ले सकते हैं और आराम से स्टे कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि RFID कार्ड के बारे में, क्योंकि बिना RFID कार्ड के हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसके लिए RFID कार्ड नहीं लगता है, अगर आपका बच्चा 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो उसके लिए RFID कार्ड ज़रूरी है। तो ये RFID कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ। तो RFID कार्ड बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन मतलब जा कर लीजिए RFID कार्ड, या फिर आप ऑनलाइन जो माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं तब भी आपको लाइन में लग के RFID कार्ड को लेना पड़ेगा। तो आइए अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जम्मू के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं या फिर कटरा के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, या फिर आप जम्मू के बस स्टैंड पहुँचते हैं, या फिर आप कटरा के बस स्टैंड पहुँचते हैं, तो आपको एक लाइन में ही काफ़ी सारे काउंटर मिल जाएंगे RFID कार्ड के। आप सभी लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी स्टेशन या बस स्टैंड उतरते हैं उसके आसपास आपको काउंटर मिल जाएगा, या फिर कटरा चौक है जहां से आप यात्रा करते हैं उससे पहले ही आपको RFID के कार्ड बहुत सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है जो कि ऑफलाइन RFID कार्ड जिसे चाहिए उसे क्या करना है, अपने साथ एक ID रखनी है। ID रखने के बाद आपको जाना है, लाइन लगानी है, लाइन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा अगर भीड़ होती है तब भी आपको 30 से 40 मिनट के अंदर आपका RFID कार्ड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है यात्रा के लिए। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है यात्रा के लिए उन्हें भी RFID कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन किया होता है रजिस्ट्रेशन उनकी अलग से लाइन होती है, उस लाइन में भीड़ काफ़ी कम होती है। आप जाएंगे, अपना PDF दिखाएंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, आपका RFID कार्ड प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी लोगों को जो आपका RFID कार्ड है यात्रा के दौरान बहुत ही संभाल के रखना है, गायब नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको यात्रा करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर यही मैं कहना चाहूँगा कि बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी, सबसे पहले कि आपको रूम्स कहाँ लेने हैं, रूम लेने के बाद आपको RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा जो कि यात्रा में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके बाद अब कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट और हैं यात्रा से रिलेटेड, इस समय मौसम कैसा है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और आइए अब हम आगे की चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 23 नवंबर है, तो इस समय सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर अब हम यात्रा पर जा रहे हैं तो इस समय मौसम कैसा होगा, ठंड कितनी ज़्यादा है, तो इस पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यात्रा के दौरान जो दिन का टाइम है उस समय यात्रा के दौरान दिन में धूप निकल रही है, तो अगर आप दिन में एक फुल T-shirt पहनते हैं या फिर हल्के कपड़े पहनते हैं तब भी दिन में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि धूप जो निकल रही है तो काफ़ी तेज़ धूप होती है। तो उस समय आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं
तो आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो दिन के लिए तो ठीक है, आप नॉर्मल कपड़ों में भी दिन बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप यात्रा रात में करना चाह रहे हैं या फिर सुबह के टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम और रात में ठंड होती है, टेम्परेचर लो हो जा रहा है, 10 से 11 डिग्री तक पहुँच जा रहा है रात और सुबह के टाइम में। तो अगर आप सभी लोग रात के टाइम में या फिर सुबह यात्रा करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक से दो गर्म कपड़े आप अपने साथ चाहे बैग में रख सकते हैं। सुबह आप पहन के उस गर्म कपड़े को या फिर रात में निकल सकते हैं, जब फिर दिन होता है धूप निकलती है, तो आप उस कपड़े को क्या करें, निकाल के बैग में रख लें। तो इस वजह से आप एक या दो गर्म कपड़े यात्रा के दौरान अपने साथ ज़रूर कैरी करें। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए भी गर्म कपड़े आप ज़रूर लेकर निकलें। उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम रात में यात्रा कर सकते हैं, रात में ट्रैक कैसा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो माँ वैष्णो देवी जी का ट्रैक है वो बेहद अच्छी तरीके से पूरा का पूरा बना हुआ है, नीचे से लेकर भवन तक कंप्लीट बना हुआ है। तो आप सभी लोग अगर रात में यात्रा करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग रात में यात्रा करते हैं पैदल मार्ग से, आपको रास्ते में लाइटें जलती हुई मिल जाएंगी, बिल्कुल आपको अंधेरा कहीं देखने को मिलेगा नहीं, एकदम उजाला रहता है, साउंड लगे हुए हैं जिसमें माता के भजन हमेशा बजते रहते हैं, उसके बाद काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप सभी लोग रात में यात्रा करना चाहते हैं पैदल मार्ग से, तो आप सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, ठंड का मौसम आ चुका है, तो अगर आप सभी लोग ठंड में यात्रा करना चाह रहे हैं रात में, तो आप सभी लोग अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें, बाकी आप बहुत ही आराम से रात में यात्रा कर सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए तो ठीक है पैदल मार्ग है, उसके बाद काफ़ी सारे यात्रियों को जो पैदल मार्ग से नहीं जाना चाहते, घोड़ा पिट्ठू पालकी, उनकी सुविधाएं जानना चाहते हैं या फिर रेट जानना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में यात्रा के दौरान पहुँचेंगे जहाँ पर बैग चेक होते हैं, उसके बाद ही जैसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है यात्रा का, तो वहाँ पर आपको काउंटर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर घोड़ा पिट्ठू पालकी सारी की सारी सुविधाएं और सारे के सारे बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर, एक वन ए टू जेड लेकर सारे रेट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप सभी लोग उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी से, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से वहाँ से आप अपना पैसा दीजिए, टोकन लीजिए और आप अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस समय सारी की सारी सुविधाएँ चल रही हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ अपना टोकन बुक करना है, उसके बाद आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ही आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद एक काफ़ी बड़ी चीज़ आती है इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक कार का क्या सिस्टम है कि अगर आप सभी लोग इलेक्ट्रिक कार जैसे यात्रा के बीच में, यानी जब 6 किलोमीटर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके बाद 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको इलेक्ट्रिक कार की सुविधा देखने को मिलती है। तो जो आपकी आधी यात्रा है वो आप इलेक्ट्रिक कार से बुक कर सकते हैं, उसका रेट 285 या 300 रुपये एक साइड का पड़ता है। अब आपको बुक कैसे करनी है तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक कार जो है उसको आप बुक करने के लिए हमेशा ऑनलाइन जाइए, घर बैठे माँ वैष्णो देवी जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाइए और इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से टोकन प्राप्त हो जाएगा, आप वो टोकन लेकर आएंगे जहाँ इलेक्ट्रिक कार्स मिलती हैं, वहाँ पर आप अपना टोकन देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे और आपकी आधी यात्रा 30 से 40 मिनट के अंदर बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप सभी लोग ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑफलाइन क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में जो यात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार वाली मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, घर बैठे इलेक्ट्रिक कार की सुविधा को ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, इसलिए आपको ऑफलाइन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी लोग इलेक्ट्रिक कार की सुविधाओं को ऑनलाइन बुक करें। तो आज की वीडियो यही थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी, आप सभी लोगों को होटल्स के रेट बताए, आप सभी लोगों को मैंने बताया RFID कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी लोगों को मैंने मौसम से रिलेटेड जानकारी दी कि इस समय मौसम कैसा है, उसके बाद आप सभी लोग कैसे मतलब यात्रा कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बताई। और खाने पीने के लिए आप सभी लोगों को रास्ते में हर जगह भोजनालय मिलेंगे, खाना आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा और फ्रेश खाना मिलेगा और रेट काफ़ी रिजनेबल होते हैं, 50-60 रुपए से स्टार्टिंग है। तो अगर आपको रास्ते में पैदल यात्रा के दौरान खाने पीने की किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो यही थी, मैं फिर आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी ऊपर आ रही होगी,
बाकी अगर आपको यात्रा से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई करके चाहूँगा कि आप सभी लोगों की चीज़ें क्लियर करूँ। तो बस आप सभी लोगों से अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।